नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मचारियों के चलते मरीज और उनके परिजनों की सांस फूलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोल रही है जिसमें यूपी के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। पूरा मामला हरदोई का है, जहां एम्बुलेंस के पहिए थमने से मरीज के परिजन मरीज को पिकअप में अस्पताल ले जाने को मजबूर हो गए। खैर, जैसे तैसे मरीज के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां उसे इलाज नहीं मिला। गुस्साए परिजनों ने बवाल किया, तब जाकर मरीज को भर्ती किया गया। तो ये सारा वाक्य उत्तर प्रदेश की बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता है। तो बता दें, पिछले 3 दिनों से अधिक हो रहा है जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी यानी कि 102 और 108 के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर गए हुए हैं और उनकी मांग है कि वेतन विसंगतियां उनको बहाल किया जाए। साथ ही साथ जो नई भर्तियां की जा रही हैं नई प्राइवेट कंपनी के द्वारा, उसको लेकर भी एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल है। वहीं गुलफाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये जो वाक्या भी सामने आया, इसके पीछे का पूरा क्या कारण है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल 100 एम्बुलेंस चालकों की एम्बुलेंस की हड़ताल थी, जिसमें उनके मानदेय को लेकर काफी उन्हीं ने अपनी हड़ताल करी जिसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानी झेलना पड़ी। आपको बता दूं, जिले में जिस तरीके से एम्बुलेंस की हड़ताल थी, उस तरीके से काफी जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं कहीं तो देखा जाए तो मरीज अब चटाई पे लेटकर सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं और एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से काफी लोगों की दिक्कतें भी आई है। जी बिल्कुल, लेकिन इस पर पूरे मामले पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर अगर आप अस्पताल प्रशासन की बात करें या अधिकारियों की बात करें, तो क्या उनका कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया, क्योंकि जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आए दिन एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल कर देते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है सोचने के लिए कि आखिर क्यों ये आए दिन एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल कर देते हैं। क्योंकि एम्बुलेंस एक मेडिकल का एक ऐसा हिस्सा है जो हर 24 घंटे अवेलेबल रहना चाहिए और 24 घंटे उसकी जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं पूरे जिले में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं ना कोई क्राइम के ऐसे घटना हो जाती है, जैसे गोलीकांड हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। इस पूरे मामले प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया जारी नहीं करी है, लेकिन जिस तरीके से ये एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे सीएम योगी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश करते हैं कि कोई भी किसी तरह की घटना ना हो कि मतलब इलाज की वजह से कोई मर जाए, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है, इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। जी बिल्कुल गुलफाम, जिस तरह से चिकित्सा कंपनी लगातार नई भर्तियां कर रही है उससे गुस्साए हुए हैं कर्मचारी। जो क्या चिकित्सा कंपनी से कोई रिएक्शन आया है कि किस वजहों के चलते ये जो नई भर्तियां की जा रही हैं वो क्यों की जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो हड़ताल हो रही है ये अपने मानदेय को लेकर हो रही है। साथ ही बता दूं कि जो नई कंपनियां चेंज हो रही हैं, कंपनी अपने अलग अलग तरीके से लोगों को भर्ती कर रही है, तो इन लोगों की मांग है कि एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को ही भर्ती करा जाए, साथ ही इनका जो मानदेय है वो भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब एम्बुलेंस जीवीके EMRI कंपनी चलती थी, उसकी जो जिम्मेदारी है वो चिकित्सा कंपनी को सौंप दी गई है, जिसके बाद कंपनी की तरफ से नई नौकरियां निकाली गई, नए सिरे से कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ वेतन विसंगतियों को लेकर भी लगातार एम्बुलेंस चालक जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें कई जिलों से सामने आ रही है, जहां पर लोग या तो अपनी मोटरसाइकिल पे गोद में या फिर इस तरह से खटिए पर एम्बुलेंस तक अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाने के लिए मजबूर है। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हड़ताल पर योगी सरकार हुई सख्त, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बड़ा बयान, एम्बुलेंस चालकों को दी गई चेतावनी, एम्बुलेंस ना मिलने पर हुई मौत तो होगी FIR। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एम्बुलेंस चालक की हड़ताल से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार जो एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर है, अगर आप उनके वजह से अस्पताल पहुंचने में देर होती है और किसी की जान चली जाती है तो उन एम्बुलेंस चालकों पर FIR दर्ज की जाएगी।
मैं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अब जो FIR दर्ज कराने की बात की जा रही है। जी जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एम्बुलेंस चालक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और इस सरकार द्वारा जब उनको मनाने की कोशिश करी गई उसके बावजूद भी जो उनकी हड़ताल है वो जारी है, जिसको देखते हुए आज सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एक बयान जारी करा गया, जिसको खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने ये जारी किया है और उसमें ये कहा है कि अगर एम्बुलेंस की कमी के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पे भी मौत होती है तो उस एम्बुलेंस चालक के खिलाफ सरकार FIR दर्ज करा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है और इससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस चालकों में थोड़ा सा डर और थोड़ा डर पैदा हो, जिस वजह से हो सकता है हड़ताल बंद हो, क्योंकि अभी हरदोई से भी एक तस्वीर सामने आई कि एम्बुलेंस ना मिल पाने की वजह से, और तमाम ऐसे कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि एम्बुलेंस की जो दिक्कत है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड़ताल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में दिखती है, ऐसे कई कई छोटे छोटे कस्बे, कई छोटे छोटे जिले हैं जहां पर एम्बुलेंस 102 हो चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, लगातार फोन करने पर भी परिजनों को आसानी से मुहैया नहीं हो पाती है, जिसके कारण मरीज को जो है समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल शहबाज, लेकिन जो ये पूरा मामला है क्या उसको लेकर जरूरी नहीं बनता है कि एक बार जाकर एम्बुलेंस चालकों से बातचीत की जाए, ये भी तो जरूरी हो जाता है। क्योंकि एम्बुलेंस चालक अगर बात करें तो वो भी अपनी कुछ जायज मांगों के साथ हड़ताल पर हैं, ऐसा उनका कुछ कहना नहीं है कि वो अपनी जो अपनी मांग है उस पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसी उनका पुराना मानदेय उनका मिलना चाहिए, उन्होंने जो अपनी। वही इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। जयप्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो एक तरफ से जहां इस खबर पर स्वास्थ्य मंत्री लगातार फोन काटते हुए नजर आए, शहबाज जयप्रताप सिंह जुड़े थे लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बयान को जरूरी नहीं समझा, इस खबर पर बयान देना, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि उनको भी समझने की जरूरत है कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसमें वेतन विसंगतियां बड़ा है और वहीं चिकित्सा कंपनी के द्वारा जिस तरह से लगातार नए कर्मचारियों की भर्ती की खबरें सामने आ रही है उससे ही गुस्सा है कर्मचारी, तो वो चीजों को सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी आपको बताया जैसे कि एम्बुलेंस सेवा में जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं, चाहे कोरोना काल का जब दूसरी लहर का बहुत बुरा दौर जब पूरे प्रदेश में देखा गया तब भी वो अपनी अपने पूरी लगन से काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी ये मांग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वाजिब है। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को सामने सरकार के सामने रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो जो सैलरी उनकी बकाया है पहले आप उसका भुगतान करें। साथ ही उनकी ये भी एक मांग है कि जिन कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो टेंडर की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने में ही मिली भगत के चलते एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बचाव हो रहा है। शहबाज खान, इसीलिए हमने जोड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि क्यों FIR दर्ज की जाएगी जब आप मांगों को नहीं मान रहे, और ये मांगे जायज है, ये मांगे अगर नाजायज है भी तो भी आपको बात करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं आपको समझाने की जरूरत है। शहबाज, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नई कंपनी जो आ रही है वो अपने कर्मचारियों को जो उनके उनके परिचित हैं या यूं कह लें जो नए कर्मचारी हैं उनको रखने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए दूसरी लहर या कोरोना का जो प्रकोप देखने को मिला कहीं ना कहीं रोजगार भी लोगों का छिना, ऐसे में कई लोग बेरोजगार भी घूम रहे हैं, तो वो कम सैलरी या कम मानदेय पर भी काम करने को तैयार है। ऐसे में कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट कंपनियां जो टेंडर उठाती हैं वो अपना फायदा सोचती हैं और कम मानदेय पे काम करने वाले कर्मचारियों को हायर करती है और उन्हीं से काम करवाती है, और ये सारी जो कंपनियां होती है वो ये भी नहीं ध्यान देती है कि जो एम्बुलेंस सेवा कई दिनों से 102 और 108 में अपनी सेवा दे रहा था वो कितने सालों से दे रहा था, उस परिवार की कितने लोग जुड़े थे, कितनों की रोजी रोटियां जुड़ी थी, तो अचानक से इस तरीके से किसी को निकाल देना बिना किसी नोटिस के, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस चालकों का हड़ताल पे जाना लाजमी है। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए थी,
बल्कि इस तरीके का जो शाही फरमान जारी कर दिया गया कि अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है या किसी की मौत होती है एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी में, तो ऐसे में चालक के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होगी। लेकिन वेतन ना मिलना और वेतन विसंगतियां लगातार होना, साथ ही साथ मांग है उनकी कि जो वादे किए गए थे कि कोरोना काल में अगर कोई कर्मचारी की कोरोना के दौरान पर अपनी सेवाएं देते हुए मृत्यु होती है तो उनको मानदेय दिया जाएगा, उनको मदद की जाएगी, धनराशि दी जाएगी, लेकिन उसका भी अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा किसी भी तरह से। तो ऐसे पे ये जरूरी हो जाता है कि आप मांगों को सुने और उसका स्पष्टीकरण दे। हालांकि ये FIR दर्ज करने की बात सिरे से गलत है, हालांकि जो परिजन है वो शहबाज बिल्कुल हम कह रहे हैं कि परेशानियों का उनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन ये मांगे जायज है। जी बिल्कुल 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 मांगे जायज है उनकी। और मैंने आपसे अभी पहले भी ये बात बोली थी कि एम्बुलेंस की जो ना पहुंचने की जो खबरें सामने आती रहती हैं, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा किस कदर बदहाल है इसकी तस्वीरें हम लोगों ने जो दूसरी लहर थी कोरोना की उसमें देखी कि बिना किसी तैयारी के एक जंग लड़ रहे थे, एक अदृश्य बीमारी जो ना दिखने वाली बीमारी है उसके खिलाफ एक जंग लड़ रहे थे और बिना किसी हथियार के, क्योंकि अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, ना तो एम्बुलेंस कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में थे, तो ऐसे में ना तो लोग अस्पताल पहुंच पा रहे थे, ना अस्पताल जो पहुंच भी रहा था तो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा राशि मांगी जा रही थी कि आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से अस्पताल जो कर्मचारी है वो ये लगातार कह रहे हैं कि नई भर्ती में कई अनियमितताएं हैं, अनुभव होने के बावजूद भी कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह के जब परेशानियां कर्मचारी झेलते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उनसे एक बार वार्ता करें, संवाद करें, उसके बाद इस तरह का कोई कठोर कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार स्वास्थ्य कर्मी जो है एम्बुलेंस कर्मचारी वो अपनी सेवाओं को बहाल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपनी सेवाएं दोबारा से शुरू नहीं करेंगे, जिसको लेकर परेशानियां हो रही हैं, जिसको लेकर जो पीड़ित हैं वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है तो लोग मजबूर हैं अपनी गाड़ी से, निजी वाहनों से या जो भी सहारा उन्हें मिल रहा है उससे अस्पताल तक अपने मरीजों को पहुंचा रहे हैं वो। इस पर ही योगी सरकार सख्त हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बीच अगर किसी भी मरीज की या मौत होती है तो उस पर सीधे तौर पर जो कर्मचारी हैं उन पर FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।